हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एमपी के जबलपुर में ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार। कल मामूली टक्कर लगने के बाद ऑटो चालक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। जबलपुर में ऑटो चालक को पीटने वाले दो आरोपियों का पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस। एमपी के गृह मंत्री बोले, राज्य में तालिबानी संस्कृति नहीं चलेगी। जबलपुर में ऑटो ड्राइवर की पिटाई के मामले में बड़ा खुलासा। पीड़ित ड्राइवर को ही पुलिस ने कई घंटे हवालात में बंद रखा था। आरोपियों ने ऑटो चालक को थाने के बाहर फेंक दिया था। हाथरस केस की जांच के लिए मौकाए वारदात पर पहुंची सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया। पीड़िता के परिवार के तीन लोग भी शामिल रहे। हाथरस कांड में सबूतों के लिए सीबीआई का सर्च ऑपरेशन। वारदात वाली जगह के बाद वहां भी पड़ताल, जहां प्रशासन ने जलाया था पीड़िता का शव। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल। गोंडा में तीन सगी बहनों पर तेजाब से हमला। प्रियंका गांधी ने कहा, राजनीतिक दबाव में अपराधियों को बचा रही है यूपी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में एक लड़की को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। यूपी के बरेली में दारोगा और सिपाही का रिश्वत के पैसों का बंटवारा करते वीडियो वायरल। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। हरियाणा के जींद में 11 साल के बच्चे को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है, चोरी का ठेका लेता था ये नाबालिग चोर। दिल्ली के नानक प्याओ गुरुद्वारे के पास तेज रफ्तार कार ने सीएनजी पंप के बाहर खड़े परिवार को मारी टक्कर। दो सगी बहनों की दर्दनाक मौत। आरोपी कार चालक मौके से फरार। यूपी के अलीगढ़ में एक इमारत में गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप। आसपास के कई घरों को भारी नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश। कृष्णा जिले में बारिश के पानी से लबालब भरी सड़कें। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में तेज बारिश के बाद बांधों का प्रेशर बढ़ रहा है। श्रीसेलम बांध के गेट हर दिन 10 फीट और खोले जा रहे हैं। ओडिशा के गंजम में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश जारी। कई इलाकों में भारी जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। देश भर की मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़े। पिछले दो हफ्तों में आलू, टमाटर और प्याज 25% तक महंगे हुए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, अगले साल की शुरुआत में भारत में कोरोना के खिलाफ एक से ज्यादा वैक्सीन होंगी। भारत में धीमी हो रही है कोरोना की रफ्तार। 69 दिनों के बाद कोरोना के सबसे कम केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 55,342 नए केस। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की कोरोना वैक्सीन को झटका। एक शख्स के बीमार होने के बाद रोका गया ट्रायल। अहमदाबाद में श्री स्वामी नारायण मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुला। 3,000 सेब के साथ पूजा की गई। कोरोना मरीजों को प्रसाद में बांटे जाएंगे सेब। दिल्ली में हावी हो रहा है प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में आज 300 के पार पहुंचा प्रदूषण का स्तर। भलसवा लैंडफिल साइट का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। लापरवाही के चलते उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी। 15 अक्टूबर से रोजाना 7,000 श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत। पिट्ठू और घोड़े की सेवा भी शुरू होगी। कोरोना से उबरने के बाद चुनावी मोड में आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फ्लोरिडा में रैली करने पहुंचे ट्रंप ने मास्क फेंका। नॉर्थ कोरिया की वर्कर्स पार्टी के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर रो पड़ा तानाशाह किम जोंग। अपने देश के लोगों के लिए बेहतर न कर पाने के लिए माफी मांगी।